अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक महीने का आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देशानुसार सभी राज्य में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के कारण जिनके घरों में असामयिक मृत्यु हुई है, इस पर पूरे राज्य का डाटा तैयार करने को कहा गया है। उसी को लेकर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के सभी कांग्रेस के संगठन से जुड़े कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष सभी कोई अपने क्षेत्र में आंकड़ा प्रस्तुत करें। राज्य सरकार भी कोरोना के कारण जिन लोगों की जान गई है उनकी भी डेटा बनवा रही है। ऐसे लोगों की राज्य सरकार भी मदद करेगी। 2005 के तहत कि आप जब किसी चीज को आपदा महामारी मान लेते हैं तो उसमें 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है, ये कोई नई बात नहीं। बावजूद केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी शब्द तक का उपयोग तो किया, लेकिन वो केंद्र सरकार ने उसको जारी नहीं किया कि इसमें मिलना चाहिए। उसमें हमारा एक हिस्सा होता है 25% और 3 हिस्सा केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार 3 लाख रुपए देगी, हम 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। जो भी कोई काम होगा तो बिल्कुल नियमानुकूल होना चाहिए, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बात को रखे। और जो जहां तक आप कह रहे हैं राज्य सरकार से लाभ दिलाने की बात, वही मैं कह रहा था कि विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन बारे में सोचा है और आउटरीच अभियान का नाम दे करके हम लोगों को प्रखंड और पंचायतों तक घर घर तक जाने की बात कही है। सुख दुख के साथ ही हम लोग सदैव रहे हैं, लेकिन कोरोना का काल जो आया उसमें हम लोग लाख प्रयत्न किए, फिर भी कुछ न कुछ कमियां रह गई है। के बाद हमारे जो डाटा आएंगे हम उसका मिलान करेंगे कि कहीं कोई व्यक्ति छूट तो नहीं गया है। उस बात को लेकर के आज से पूरे 1 महीने तक 30 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें पूरे प्रदेश के नेता और आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे इस बात को लेकर के बहुत गंभीर हैं। हमारे सभी कार्यकारी अध्यक्ष, जोनल कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने क्षेत्रों का अपने अपने से भी शुरुआत करें, उनके घरों तक जाएं और जो अंतिम व्यक्ति है, आउटरीच का मतलब है जो बिल्कुल पहुंच से बाहर का व्यक्ति, मतलब जो अंतिम व्यक्ति है उस तक जाकर के हम अपनी बातों को रखें। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया था और अगर कोई इस संदर्भ में कोई शंका तो उसमें लिखा गया कि कोरोना से इनकी मौत हुई है, लेकिन जो लोग गांव में ग्राम में अगर वो कोरोना से तो मरे लेकिन उनको पता नहीं चला कि कोई उनके पास मेडिकल एविडेंस नहीं है, तो ऐसे में जब गांव-गांव में लोग जाएंगे और घरों तक जाएंगे तो वो बताएंगे कि आप मौत जब आप डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट में कहीं वो कॉलम बना ही हुआ नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है या कोरोना से मृत्यु हुई है, इसकी कोई तैयारी नहीं थी पूरी। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले 50,000 कर कर्जा, 1 रुपया में माफ करा ले।